हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको शेयर करवाते हैं देसी उड़द की। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से देसी उड़द के डंठल को लाया जाता है, उसके पेड़ को छोटे सा झाड़ होता है उसको काट कर लाते रहे घर पर, फिर उसके जो फलियाँ सूखी हुई थी उन फलियों को तोड़ा जाता है दोस्तों। तो किस तरीके से उनको तोड़ के हम उनको फिर सुखाते हैं, देख सकते हो आप। इनको हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद इनको फिर जैसे कि कूटना कहते हैं, कूटने के बाद इसमें वो जो उड़द निकलते देख सकते हैं, ये उड़द निकलते हैं, इनकी दाल बनती है, देसी उड़द बोलते हैं दोस्तों। उड़द दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको बताया, एक शंकर उड़द बोलते हैं जिसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है दोस्तों, लेकिन ये देसी उड़द है और देसी उड़द की सब्ज़ी तो बहुत स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि आप खुद भी जानते हैं, गाँव में रहने वाले लोग तो सब जानते हैं देसी उड़द और शंकर उड़द क्या होते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, ये उड़द को हम खेत में से बोते हैं और बोने के बाद इस तरह से लाते हैं और लाने के बाद उसके फलियां तोड़ के फिर उनको मतलब कूटते हैं, मतलब या मशीन तो ज़्यादा नहीं इसलिए हाथों से ही कूट कर निकाल देते हैं, लेकिन इनमें कुछ फलियां हरी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं आगे चल करके कि ये हरिया, इनको हम सुखाएँगे। सुखाने के बाद फिर इनको फिर लकड़ी से या डंडे से किसी से पीट करके कूट के, कूटने के बाद इसमें निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरे वीडियो बनने के धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक अवश्य करना दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों।